कि सर, चलो इस कॉन्सेप्ट का नाम मैं लिख देता हूं, वो कॉन्सेप्ट जो आपको कब से सता रहा था कि सर सन 1947 में अगर 1 रुपया इक्वल टू 1 डॉलर था तो सन 2024 में क्या हो गया सर, कि क्या हो गया सर, कहां से कहां आ गए हम, जब 1947 में 1 डॉलर इक्वल टू 1 रुपया था, देन इन दैट केस सर 2024 में यही 1 डॉलर 90 रुपए, 90 रुपीज कैसे हो गया सर, 85 रुपीज कैसे हो गया सर, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, राइट? सो इन सब के लिए जिम्मेदार है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, आपने सही सुना, इट इज इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, तो मैं बताऊं क्या होता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी, क्या होता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। सबसे पहले पैरिटी का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हारे को बताया था आई थिंक जब अपन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में डिबेंचर वाला काम कर रहे थे तब, पैरिटी का मतलब होता है पेयर प्लस इक्वालिटी, पेयर प्लस इक्वालिटी इज कॉल्ड एज पैरिटी। यस, पेयर प्लस इक्वालिटी इज कॉल्ड एज पैरिटी। तो यहां पे डॉलर एंड रुपीज के पेयर में इक्वालिटी है, पता है क्यों, इंटरेस्ट की वजह से। आओ बताता हूं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आओ बताता हूं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से समझना ये एग्जाम्पल को, ध्यान से समझना ये एग्जाम्पल को। इंडिया का इंटरेस्ट रेट, एंड यूएसए का इंटरेस्ट रेट, सपोज इंडिया में 10% इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पे और यूएसए में 4% एफडी मिल रहा है, कितना, 4%। आप मुझे बताओ आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे, सपोज ये आपके फिक्स एफडी के रेट्स हैं, सपोज ये एफडी के रेट्स है, फिक्स डिपॉजिट के रेट्स है ये, और आपको 10% इंडिया में मिल रहा है, ठीक है। अब सुनो होगा क्या, समझो आपके पास है यहां पे 10 लाख रुपया, यहां पे है 1 लाख रुपया लेते अपन, यहां पे है डॉलर 1 लाख, ठीक है। एग्जाम्पल अब इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो इंटू 10% ऐड करके ये हो जाएगा 1,10,000, इधर 4% ऐड करके हो जाएगा डॉलर 1,04,000। अपन डॉलर को बोलेंगे अबे हे, मेरा 1,10,000, तेरा खाली 1,04,000। बट क्या आपको पता है इसी टाइम पे ये जो डॉलर का रेट है, ये जो डॉलर का रेट है ये हो जाता है 1 डॉलर इक्वल टू रुपीज 1.0577। यस, अब यहां पे ये डॉलर वाला बोलेगा हाँ रुकना मैं रुपी में भी कन्वर्ट करता हूं, उसने रुपी में कन्वर्ट किया, उसने बोला भाई
$1 है तेरा 1.0577। उसने इमीडिएटली मल्टीप्लाई किया 1.0577 इनटू 1,04,000 से, एंड आ गया है इधर 1,10,000। ओ, ये क्या हो गया? ये हुआ इसके लिए बिकॉज जब भी आपका इंटरेस्ट रेट 6% का डिफरेंस है, तो अगर ये इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होगा, समझ रहे हो, अब इन दोनों का पेयरिंग ऐसा है दैट इंपैक्ट उसका नलिफाई हो जाएगा फॉरेक्स रेट की वजह से। तो अब जो $1 इक्वल टू 1 रुपए था, अब वो हो गया $1 इज इक्वल टू 1.0577 रुपीज। कहने का मतलब ऑलमोस्ट जितना इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, उतना उतना यूएसए का फॉरेक्स रेट अप्रिसिएट होगा। ध्यान से सुनना, समझे क्या? जितना इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, उतना उतना यूएसए का फॉरेक्स रेट अप्रिसिएट होगा। अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी समझते हैं ना अपन, बस यही हुआ यहाँ पे। अब इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गया बढ़ाते गया, यहां पे यूएसए का करेंसी अप्रिसिएट होते गया ए समझिगड़ू। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाओगे तो द फॉरेक्स विल इंश्योर दैट देर इज इक्वालिटी इन द पेयर। अदरवाइज क्या होगा पता है क्या? अदरवाइज क्या होगा, लोग एक जगह पे बोरो करेंगे और दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। बट अब आप ये नहीं कर पाएंगे कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तो है बट साथ में फॉरेक्स रेट्स ने उसको ऐसा नलिफाई कर दिया है दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, सब लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, कोई यूएसए में नहीं करेगा। बट अब तुम इंडिया में करो इन्वेस्ट, मत करो यूएसए में, तो भी तुम्हारे को उतना ही मिल रहा है जितना एक बंदा जिसने यूएसए में इन्वेस्ट किया है उसको मिल रहा है। समझ रहे हो? तो ज्यादा 30 मार खान बनने की कोशिश करोगे ना, फिर तो हर कंट्री अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही जाएगा। नहीं, अब करो वो करना है तो सामने हमारा फॉरेक्स रेट आपको नीचे खींच लेगा। समझ में आया? सो अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं, देखेंगे देखेंगे आप लोग, देखेंगे आप लोग क्या लिखवा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं। नोट, इन द अबाउ सिनारियो, इन द अबाउ सिनारियो, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। तो जब तक ये इंटरेस्ट मिल रहा था तब तक ये इंडिया वाला बहुत खुश हो रहा था। जिस दिन फॉरेक्स को कन्वर्ट किया और उतना ही डिफरेंस है, जितना इंटरेस्ट रेट तुमने इधर बढ़ाया ना, उतने से ही मेरा डॉलर यहां पे अप्रिसिएट होगा। अगर वो डिफरेंस में कुछ गड़बड़ है देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। सब समझ में आएगा, टेंशन ना लेना। इन द अबव सिनारियो वी विल बोरो फ्रॉम अमेरिका एंड इन्वेस्ट इन इंडिया टू अर्न एडिशनल 6% रिटर्न। हाउएवर फॉरेक्स रेट्स विल नलिफाई द इंटरेस्ट रेट बेनिफिट कॉल्ड एज डन 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 इंटरेस्ट रेट पैरिटी।
विच मीन्स सर स्पॉट पे दोनों करंट सेम लेवल पे होता है। हाँ मतलब फर्क है बट वो इंटरेस्ट के फर्क की वजह से। तो ईयर ऑन ईयर 1947 से इंडिया का इंटरेस्ट रेट हैज बीन वेरी हाई एज कंपेयर टू यूएस का इंटरेस्ट रेट। करो तुम इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखो परवाह नहीं, यूएस बोलता है मेरा फॉरेक्स अप्रिसिएट होते जाएगा। यार यार वो होते होते आज $1 = ₹90 पे आ चुका है। पृथ्वी बोल रहा है सर बट वाई इज इन जेपी वाई अप्रिसिएटिंग बाय दिस लॉजिक। अब मैं तुम्हारे को अंदर का बात बताऊं, ये जो जेपी वाई दिखा रहा है ना वैसा है नहीं। जेपी वाई में तुम्हारे को दिख रहा है कि 1 ₹1 = 0.5 JPY या 1 JPY = 5 ₹5। अपने को लग रहा है इंडियन रुपीज अच्छा है, मैं आपको बताता हूं वो है ना उस JPY का है ना वो पैसे का रेट है उसका। अपने इंडिया में कैसा है 1 रुपये होता है और 1 पैसा होता है, वो JPY के पैसे का रेट है बट उन्होंने अपने पैसे के रेट के हिसाब से ही करेंसी को दिया है पूरे वर्ल्ड को। तो आइडियली वो उसके पैसे का रेट है बट ठीक है अपने को वो उसको इक्विवेलेंट रुपीज से रख रहा है इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है बट वो उसका पैसा है समझा। तो वो इवेंचुअली तो देखा जाएगा तो वो बेटर ही है बट फॉरेक्स टर्म्स में इंडिया बिकम्स स्ट्रॉन्गर वैसा। अब उनके यहाँ पे सब चीज बाय डिफॉल्ट 100 JPY के डिनोमिनेशंस में ही मिलती है क्योंकि वो 1 JPY इज लाइक पैसा, वो अपना वो उसका 1 पैसा अपने 1 रुपए से अपन कंपेयर कर रहे हैं तो अपने को लग रहा है अपन तो बेटर है। अबे काहे का बेटर है, उसका वो पैसा है भाई। समझे क्या। चलो एनीवेज प्लीज एवरीबॉडी राइट डाउन। सर ये सेम होगा तो आउटसाइड कंट्री इन्वेस्टमेंट कॉस्टली होगा ना, कॉस्टली नहीं होगा सेम होगा। तो आउटसाइड इन्वेस्टिंग नहीं होगा तू इन्वेस्ट हाँ तो नहीं करता है कोई इस रीजन की वजह से, इंटरेस्ट रेट की रीजन की वजह से कोई इन्वेस्ट नहीं करता है आउटसाइड कंट्री में, होना भी नहीं चाहिए अदरवाइज तो पब्लिक आर्बिट्राज से ही कमाएगा। आप पूछोगे आर्बिट्राज क्या है, आर्बिट्राज का सिंपल मतलब होता है कि भाई सेम चीज का दो अलग अलग मार्केट में जब अलग रेट्स मिलता है उसको बोलते हैं आर्बिट्राज। तो से फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर ठीक है, ये कैलकुलेटर ए मार्केट में ₹100 में मिल रहा है बी मार्केट में ₹120 में मिल रहा है तो ए मार्केट से खरीद के बी मार्केट में बेचेगा बट इंटरेस्ट रेट में वही वो लोग बोल रहे हैं कि वो होना ही नहीं चाहिए कि मैं एक जगह पे इन्वेस्ट करूं एक जगह पे बोरो करूं और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बेसिस पे कमा लूं, फिर तो हर कोई आराम से घर पे बैठे बैठे ही कमाएगा। सो दे डोंट वांट दैट एंड देयरफॉर द फॉरेक्स रेट्स विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट दैट सो दैट इट डजंट हैपन। तो सर व्हाई डिडंट इंडिया लोअर द इंटरेस्ट रेट्स, व्हाई डोंट यू आस्क द फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर गांधी, व्हाई डोंट यू आस्क द फाइनेंस मिनिस्टर। सर जीबीपी इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन अदर करेंसी देन व्हाई इज इट नॉट ग्लोबली एक्सेप्टेड। मैंने तुम लोग को बताया था इसके पीछे अगर डिटेल डिस्कशन चाहिए तो मैं कभी करूंगा फुर्सत में होगा तो। एक ब्रेटन वुड्स करके उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि डॉलर विल बी द बेस करेंसी फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सारे कंट्री ने डॉलर को अडॉप्ट किया एज द बेस करेंसी। अब लोगों के पास इतना डॉलर हो गया क्योंकि सब लोगों को पता था कि अगर कहीं से भी किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन करना है तो डॉलर को आपको यूज करना है। सो पाकिस्तान श्रीलंका को अगर ट्रांजैक्शन करना है दे विल यूज डॉलर एज द बेस, इंडिया को सऊदी अरेबिया के साथ करना है वी विल यूज डॉलर एज द बेस। और तो सब लोग ने वो डॉलर को अडॉप्ट कर लिया। 1976 में यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने बोला नहीं डॉलर को बेस मत रखो सब लोग अपना अपना करेंसी को ले लो। तो अब 25-30 साल में सबके पास इतना सारा डॉलर आ गया कि वो डॉलर बाय डिफॉल्ट तब तक बेस बन चुका था एंड दैट इज द रीजन डॉलर इज मोर एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। गॉट इट। इन शॉर्ट आर्बिट्राज इज अर्निंग रिस्कलेस प्रॉफिट्स। आर्बिट्राज पे अभी गेम बाकी है करेंगे बट यस इट इज बेसिकली अर्निंग रिस्कलेस प्रॉफिट। बट आप ये इंटरेस्ट के हेरा फेरी की वजह से कि चल इधर इन्वेस्ट करता हूं इधर कम इंटरेस्ट, इसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी नहीं होने देगा। इंटरेस्ट रेट बोलेगा बॉस फॉरेक्स की वजह से देयर विल बिकम अ इक्वालिटी एंड दैट इज व्हाट वी कैन सी हियर। प्लीज एवरीबॉडी कॉपी इट डाउन।
कॉपी हो गया तो डन बोलना, तो मैं आगे बढ़ता हूं। पृथ्वी समझ में आया तेरे को बेटा? वाई जीबीपी। अच्छा नहीं, भरत। ओके भरत। महादेव पूछा है सर वॉज दिस द ओनली फैक्टर फॉर डॉलर अप्रिसिएशन? वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इज दिस। तुम्हारे पास टाइम हो ना, तो मेरे पास इसके रिलेटेड बहुत डिटेल्स है, बहुत इनफो है। अभी तो एग्जाम 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 सर पे है, तुम्हारे को चाहिए सर पोर्शन कंप्लीट कर दो सर, बस पोर्शन फटाफट कंप्लीट कर देना, तो एकदम भी डिटेल में जा नहीं पाते। बट अदरवाइज कभी तुम्हारे एग्जाम के बाद आना मेरे पास, इन डिटेल तुम्हारे को इतनी सारी चीजें बताऊंगा ना मैं इससे रिलेटेड, मजा आ जाएगा। बट अभी तो वी हैव अ टाइम क्रंच, तुम्हारा आर्टिकलशिप भी है, तुम्हारा पढ़ाई है, तुम्हारे को दूसरे सब्जेक्ट्स है, आई अंडरस्टैंड। बट एग्जाम के बाद कभी एकदम फ्री माइंड से हैव अ डिस्कशन, यू लव इट। यस यस कोमल, डिमांड सप्लाई, पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। सो अभी सी अगेन, इट्स ऑल डिमांड सप्लाई। तो यहां पे तेरे जितना इंडिया रुपीज आएगा, इंडिया में रुपीज आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से फॉरेक्स का डिमांड बढ़ेगा, डॉलर का ऑटोमेटिकली तेरे फॉरेक्स का रेट एडजस्ट हो जाएगा टू दिस एक्सटेंट। दैट्स हाउ द मार्केट फंक्शंस। दैट्स व्हाट आई टोल्ड, कि वो एकदम डिटेल में समझना है सब चीजें। तो जैसे मैंने बोला ब्रेटन वुड्स, तो क्या हुआ था ब्रेटन वुड्स में, क्यों डॉलर को एक्सेप्ट किया, क्यों डॉलर ने फिर बाद में 1976 में बैकआउट कर दिया, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगेन यू गाइस शुड हैव टाइम फॉर दैट, करेंगे डिस्कस, देखते हैं। अगर एग्जाम के बाद तुम लोग के पास टाइम हो तो मुझे बोलना, वी वुड लव टू डू दिस सेशंस। चलो अगर अभी मैंने तुम लोगों को बताया, इफ द फॉरेक्स रेट डज नॉट एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, इट विल गिव राइज टू आर्बिट्राज गेन। और ये आर्बिट्राज ज्यादा टिकता नहीं है। इन शॉर्ट, डिमांड एंड सप्लाई एंड ऑल अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट लेकर फॉरेक्स रेट विल रीच एन इक्विलिब्रियम लेवल वेर इट अचीव्स द इंटरेस्ट रेट पैरिटी। वेल सेड आरुषि, यस इट विल गिव राइज टू इन आर्बिट्राज गेन। और आर्बिट्राज गेन ज्यादा टिकता नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी है। यहां पे बिक रहा है 1000 का, यहां पे बिक रहा है 800 का, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा। कैन आई से यहां पे बाइंग होगा, यहां पे सेलिंग होगा। अब बिकॉज एनएससी में इतना ज्यादा बाइंग आ रहा है, कैन आई से एनएससी में डिमांड बढ़ जाएगा, कैन आई से एनएससी में डिमांड बढ़ जाएगा रिलायंस के शेयर का। कोई भी चीज का डिमांड बढ़ता है तो आप क्या कर दोगे, उसका प्राइस इंक्रीज कर दोगे। इवेंचुअली इवेंचुअली ये प्राइस इंक्रीज होते होते ये 900 पे आ जाएगा। कैन आई से बीएससी में सेलिंग प्रेशर, महंगे में बेच पा रहे, सेलिंग प्रेशर की वजह से सप्लाई बढ़ जाएगा। कोई भी चीज का सप्लाई बढ़ जाता है ना, देन इन दैट केस उस चीज का वैल्यू कम हो जाता है, इसका वैल्यू कम हो जाएगा, ब्रिंगिंग दिस टू 900। करो अब आर्बिट्राज, अब करो आर्बिट्राज, नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं बोलता हूं कि सीए का जो एग्जाम है ना, वो स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए, डिफिकल्टी होना चाहिए,
चेकिंग डिफिकल्ट मत रखो, चलेगा, लेंदी मत रखो पेपर को, बट कॉन्सेप्चुअली पेपर को डिफिकल्ट ही रखो, बिकॉज अगर 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 सप्लाई ज्यादा हो गया ना सीए का, तो उसका वैल्यू गिर जाएगा, तुम्हारा ही साला वैल्यू गिर जाएगा, फिर बोलना मत सर क्या करें। इसके लिए मैं बोलता हूं डिफिकल्टी रखो, डिमांड रहने दो मार्केट में, थोड़ा ज्यादा वैल्यू बना रहेगा। जिस दिन पास परसेंट इजी पेपर आया, पास परसेंटेज बढ़ा, उस दिन सप्लाई ज्यादा हुआ, ये हालत हो जाएगा सीए का भी, ध्यान में रखना है बात। तो ओवर सप्लाई इज नॉट गुड। सो इफ द फॉरेक्स रेट्स डज नॉट एडजस्ट इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंशियल, इट विल गिव राइज टू आर्बिट्राज गेन। ए समझे क्या? अब एक एग्जाम्पल देता हूं, और एक एग्जाम्पल देता हूं। यूएसए है, इंडिया है, 5%, 10%, टुडे स्पॉट रेट $1 इक्वल टू ₹50, ठीक है। ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे बताओ, चलो आप कहां पे बोरो करोगे, कहां पे इन्वेस्ट करोगे, कहां पे बोरो करोगे, कहां पे इन्वेस्ट करोगे, बोलो बोलो, चल चल। मैं आपको पूछ रहा हूं कहां से बोरो करोगे, कहां पे इन्वेस्ट करोगे। एज्यूम करो दोनों जगह बोरोइंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट सेम है। आरुषि बोल रही है बोरो यूएसए इन्वेस्ट इंडिया, कान्या भी वही बोल रही है, मुकुल भी वही बोल रहा है, प्रथु भी वही बोल रहा है, भरत भी वही बोल रहा है, मिलोनी भी वही बोल रही है। मिलोनी पूरा लिख बेटा, आधा अधूरा ना लिख। हैदर भी वही बोल रहा है, लक्ष्मी भी वही बोल रही है, सब लोग बोल रहे हैं सर अमेरिका से बोरो करो। कोमल पूरा लिख, वेरी गुड। दीप्सा भी वही बोल रहे हैं, रूपल भी वही बोल रही है। सो अब आप लोग सब लोग बोल रहे हैं, तो मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूं। सो आप करेंगे बोरो फ्रॉम यूएसए, इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, डन। कितने के लिए? फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। अब आप मेरे को बताओ, अब आप मेरे को बताओ, आइडियली 1 साल के बाद फॉरेक्स रेट क्या होना चाहिए, आइडियली फॉरेक्स रेट क्या होना चाहिए। अरे बोलो बोलो, टेल टेल। आइडियली के भाई कोई भी, आइडियली मतलब कि कोई भी उस एक्सचेंज अपना इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से कमा ना पाए, क्या होना चाहिए बताओ बताओ, एक बेसिक लॉजिक लगा के, बेसिक लॉजिक लगा के। यहां पे देखो क्या हुआ था, बेसिक लॉजिक लगा के, फिर उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करूंगा मैं धीरे धीरे। यहां पे देखो क्या हुआ था, 6% का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस था, 6% का फॉरेक्स रेट का डिफरेंस आया, $1 इक्वल टू ₹1 था, ये बढ़कर देखो ना 6% हो गया। ले बोलो ये लोग यही चीज नहीं समझा क्या अभी तक? अरे मेरे भाइयों, अरे मेरे भाइयों, यहां पे जब अपना इंटरेस्ट रेट इंडिया का 10% है, अमेरिका का 4% है, तो ये 6% का इंटरेस्ट रेट आया, और फॉरेक्स रेट में क्या डिफरेंस आया, $1 इक्वल टू ₹1,
बन गया $1 = 1.0577 रुपीज। इसको भी आगे खींचेंगे तो हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट कैन आई से डॉलर अप्रिसिएटेड बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल परसेंटेज। बराबर है, डॉलर अप्रिसिएटेड बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल परसेंटेज, वही हुआ ना। अभी देखो यहां पे $1 इतना था, यहां पे ₹1 था, ये 6% से अप्रिशिएट हुआ अप्रोक्सीमेटली 1.06, यही तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल था। अबे समझ रहे हो क्या भाई लोग? हाँ, अब ये लोग ने सही जवाब देना चालू किया सर। आइडियली लॉजिकली लॉजिकली अगर देखे तो 5% का डिफरेंस है, तो $1 = ₹50 + 5% सर ₹52.5 तक पहुंचेगा। अगर 52 अप्रोक्सीमेटली, अभी भी मैं बोल रहा हूं भाई एग्जैक्ट कुछ और आएगा इसके लिए, फिर वो मत होना। अप्रोक्सीमेटली 52.5 तक आया तो फिर सर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, फिर तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी बैठ गया। बट अब मैं आपको बता रहा हूं कहानी में ट्विस्ट। अगर समझो आफ्टर 1 ईयर, अगर समझो आफ्टर 1 ईयर, अगर रंजो आफ्टर 1 ईयर, $1 = ₹50 ही रहा तो फिर क्या आर्बिट्राज आएगा? एंड $1 = ₹ समझो 55 हो गया तो क्या आर्बिट्राज आएगा? मुझे बताओ, ये दोनों केसेस में $1 = ₹50 का 50 रहा 1 साल बाद भी, या $1 = ₹55 हो गया, क्या आर्बिट्राज आएगा? एवरीबॉडी बोलो, 101% आएगा सर, खाली अगर वो 52.5 पे आया तो नहीं आएगा, अदरवाइज आएगा ही आएगा। हावी अंडरस्टैंडिंग इधर तक समझ में आया? पहले लॉजिक्स इनकॉर्पोरेट कर लो, फिर मैं उसको कन्वर्ट करके बताऊंगा। लॉजिक समझ में आ गया कि भाई इतना होना ही चाहिए, नहीं हुआ चल आर्बिट्राज है भागते, आर्बिट्राज है भागते, करते हैं कुछ आर्बिट्राज। चलो बट समझ में आ गया सर, हमारे को समझ में आ गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब देखते हैं केस 1। ये केस 1 है, ये केस 2 है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ केस 1 के हिसाब से, गाइस आप मुझे बताओ केस 1 के हिसाब से क्या आर्बिट्राज गेन या आर्बिट्राज गेन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। आपने क्या बोला सर? यूएसए में बोरो करो, चालू करते हैं अपन। यूएसए में अपन लोग गए, $1,000 बोरो किया, $1,000 बोरो किया, $1 का है ₹50 टुडे स्पॉट रेट रे बाबा। जैसे ही $1,000 किया, इन्वेस्ट तो इंडिया में आके करना है, तुम लोग ने बोला है भाई, मैं कुछ खुद का दिमाग लगा ही नहीं रहा, तो इन्वेस्ट में आया, इंडिया में कन्वर्ट किया इसको फटाफट, $1,000 जो बोरो किया था उसको इंडिया में कन्वर्ट किया, तो ₹50,000 हो गया। इंडिया में इंटरेस्ट मिलेगा कितने का? 10% का इंटरेस्ट मिलेगा भाई, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब 1 साल के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा? सो आफ्टर 1 ईयर मेरे पास कितना आ जाएगा? ₹55,000, ₹55,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस सर, ओके। यूएसए में जो डॉलर
डॉलर बोरो किया है, वो अपने पिताजी का तो बैंक है नहीं कि फ्री में देगा, इसको भी तो रिटर्न करना पड़ेगा। सो आफ्टर 1 ईयर ये 4% के हिसाब से, इसको भी इंटरेस्ट देना 5% के हिसाब से, सो $1,000 प्लस 5%, ये हो जाएगा $1,050 पे करना पड़ेगा। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, अब सुनो, 1 साल के बाद मेरे पास यहां से 55,000 रुपीज आएगा। इस 55,000 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा डॉलर में, अरे उस दिन का डॉलर का रेट कितना दिया है, उस दिन का डॉलर का रेट कितना दिया है, 1 साल बाद के डॉलर का रेट कितना दिया है, बोलो बोलो, चल चल, 1 साल के बाद का डॉलर का रेट कितना दिया है। करेक्ट, इट इज ₹50 पर डॉलर, मतलब कहना है इसे, यहां पे मुझे 1 साल के बाद $1,100 मिलेगा। इस 11 उसमें से मुझे 1,050 तो पे करना है, तो ये $1,100 रिसीव हुआ, ये $1,050 पे किया, $50 का गेन हो गया। क्यों पता है क्यों? क्योंकि फॉरेक्स ने इंटरेस्ट के साथ ऑटो एडजस्ट नहीं किया। अगर वो ऑटो एडजस्ट कर लेता तो 55,000 डिवाइड बाय 52.5 करता हूं मैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1,050 बैठता है। समझू एवरीबॉडी, यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, और 1-2 मिनट प्लीज मुझे एक बात बताओ ना यार, अब अगर $1 इक्वल टू ₹55 भी होता है, क्या तो भी कुछ ना कुछ तो गेन या लॉस आएगा, हाँ कि ना? क्या वो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओगे, ट्राई करोगे? फिर अपन प्रूव करेंगे कि इन शॉर्ट अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल और फॉरेक्स रेट डिफरेंशियल मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अपने पास आर्बिट्राज उठाने का पूरा पूरा मौका है। समझ गए एवरीबॉडी? प्लीज कॉपी। हाँ
यस डन गाइस, शांति से लिखना, आराम से लिखना, कोई घाई नहीं है मेरे को, बट प्लीज डू इट सिस्टमैटिकली। ओके कन्वर्ट किया, केस टू लॉस ऑफ $50, वेरी गुड, सॉल्व किया। ओके, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, हम जिस दो कंट्रीज के बीच का इंटरेस्ट डिफरेंस ज्यादा है उनको शॉर्टलिस्ट करके फाइंड कर सकते हैं। यस कर, 101%, यू शुड बोरो इन इंडिया, इन्वेस्ट इन यूएसए, देन गेन ऑफ 2750, करेक्ट। सर आर्बिट्राज का एक्चुअल मीनिंग भी मुझे थोड़ा और डिटेल में बता दो। जरूर, देख इधर देख, सुनो, अभी केस टू पे आता हूं मैं, 2 मिनट एक बार देख। देख भरत, अब यहां पे क्या हुआ, रिस्क फ्री गेन, बेसिकली आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री गेन। मैं उसका भी एक मस्त डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, मतलब अभी जो नेक्स्ट सेशन है इंटरेस्ट रेट पैरिटी परचेज रेट पावर पैरिटी के बाद में आर्बिट्राज ही करवाने वाला हूं। तो आइडियली मैं आर्बिट्राज पहले करवाता हूँ फिर ये करवाता हूँ, बट ये बार मैंने बोला कि इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, बहुत इसको पहले करवा देगा, एंड 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 मस्त है ये। हाँ सिर्फ एक आर्बिट्राज तेरे को मैं बता देता हूँ क्या होता है, देख ध्यान ध्यान दे। सपोज रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ₹1,000 में बिक रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सेम रिलायंस का शेयर ₹800 में बिक रहा है, तो तू क्या करेगा बता मुझे, बता मुझे तू क्या करेगा। सपोज ये तुझे सिनारियो दिखता है तो तू क्या करेगा भरत, बाय फ्रॉम एनएससी एंड सेल एट बीएससी, डन। क्या ये करने में तुझे 1% का भी कोई रिस्क है, रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन प्राइजेस ऑफ द सेम कमोडिटी बट एट डिफरेंट मार्केट्स, उसको बोलते हैं आर्बिट्राज। तेरे लिए मैं लिखवा देता हूं आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, देयर इज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अबाउ इन अबाउ केस। कैसे अपन लिखेंगे यहां पे, कि यहां पे देखो नो रिस्क सेम, सो व्हेन सेम प्रोडक्ट रिलायंस अपने एग्जांपल में इज सोल्ड एट डिफरेंट रेट्स इन टू डिफरेंट मार्केट्स, वी कैन परचेज फ्रॉम वन सेल टू अदर एंड अर्न आर्बिट्राज गेन एंड अर्न आर्बिट्राज गेन, बराबर है। व्हेन सेम प्रोडक्ट RIL सोल्ड एट डिफरेंट रेट्स इन टू डिफरेंट मार्केट्स, वी कैन परचेज फ्रॉम वन, परचेज फ्रॉम एनएससी, सेल टू बीएससी एंड अर्न आर्बिट्राज गेन, मतलब बेसिकली रिस्क लेस प्रॉफिट। जैसे यहां पे था, जैसे अभी रिस्क लेस प्रॉफिट हुआ आपका, यूएसए में बोरो किया, इंडिया में आके इन्वेस्ट किया, 50 का 50 ही रहा, $50 का गेन हो गया, रिस्क लेस प्रॉफिट, समझा, इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। हाँ अब आ जाओ, अब आ जाओ केस टू पे,
तुम लोग को मैंने टाइम दिया केस टू सॉल्व करने का, तुम लोग ने किया भी। क्या आया केस टू में तुम्हारा? सेम चीज करनी है फटाफट। यूएसए में बोरो करो, $1 इक्वल टू ₹50 के हिसाब से इंडिया में कन्वर्ट करो तो मिल जाएगा 50,000। इसको इसको इन्वेस्ट करो एट द रेट 10% तो मिल जाएगा 55,000। पर जो यूएसए में लोन लिया है वो अपने पप्पा का तो है नहीं, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलो कन्वर्ट कर दो, ये जो 55,000 आया है इसको कन्वर्ट कर दो। 55,000 डिवाइड बाय 55 तो आ जाएगा यहाँ पे $1,000। बोरो किया था आपने, अब आप एट द रेट 5% इन्वेस्ट बोरो किया था तो आपको रीपे करना पड़ेगा एट द रेट $1,050। आपको रिसीव हुआ है $1,000, बैठा बैठा $50 का लॉस है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी नहीं हुआ, जैसे कि डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट और डिफरेंस ऑफ फॉरेक्स रेट वो सेम नहीं हुआ, देन इन दैट केस कहीं ना कहीं गेन आएगा, कहीं ना कहीं लॉस आएगा, जो होना ही नहीं चाहिए। एंड दैट इज वेयर इंटरेस्ट रेट पैरिटी विल ऑलवेज ऑलवेज होल्ड ट्रू। अब आप मेरे को बताएंगे क्या रेट होना चाहिए कि कोई आर्बिट्राज गेन लॉस ना हो। इनफैक्ट अब इसका उल्टा करोगे ना, इंडिया में बोरो करो, यूएसए में इन्वेस्ट करो, देन इन दैट केस बिकॉज डॉलर इतना ज्यादा बढ़ गया ना। देखो सुनो सुनो सुनो, तुम लोग ने क्या बोला, आइडियल रेट क्या होना चाहिए था? 52.5, $1 इक्वल टू ₹52.5। अगर इससे लेस हुआ जैसा अपन लोग ने बोला तो यूएसए में तुम लोग ने बोरो करवाया और इंडिया में तुम लोग ने इन्वेस्ट करवाया। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली इंडिया का जो करेंसी है उसमें बेसिकली अप्रिसिएशन हुआ। जब ये बढ़ जाएगा मोर तो ये समझो 55 हो जाएगा। अब मैं उल्टा करूंगा ना, यूएसए में इन्वेस्ट करूंगा, इंडिया में बोरो करूंगा तो मुझे गेन हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मेरा आइडियल रेट नहीं आया तो कहीं ना कहीं तो फेर फार होगा, कहीं ना कहीं बोरो करने पे, इन्वेस्ट करने पे, डॉलर ऊपर नीचे होने पे, रेट जो होना चाहिए वो नहीं होने पे गेन लॉस का गेम होगा ही होगा। तो अब आपको मुझे बताना है इन दिस सिचुएशन, आपको मुझे बताना है इस सिचुएशन को लेकर, मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, आपको इस सिचुएशन को देख के बताना है बॉस व्हाट शुड बी माय डॉलर रुपी रेट सच दैट, व्हाट शुड बी माय डॉलर रुपी रेट सच दैट कोई आर्बिट्राज का पॉसिबिलिटी ना हो। चलो सोच समझ के बताओ। अब अपने को क्या बताना है यहां पे, डॉलर रुपी रेट सच दैट इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड्स गुड। समझे क्या? इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड्स गुड। बोलो क्या होना चाहिए? वेरी गुड कान्या, अदर्स
वेरी गुड हैदर। अब देखो मैं कैसे फॉर्मूला को डिराइव करता हूं, तुम लोग नोट करना कहां से मैंने कहानी को शुरू किया था, कहां से मैंने कहानी को शुरू किया था और अब मैं कैसे चीजों को लेकर आके तुम लोग के सामने ठप करके डेरिवेशन को छोड़ूंगा। एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट पे कनेक्ट करके डेरिवेशन पे लेकर आ रहा हूं, जो डे वन पे तुम्हारे को बोला था SFM के लेक्चर के लिए, AFM के लेक्चर के लिए। देखिए आप, यस वेरी गुड। अब तुम लोग ही बोल रहे हो दिमाग लगा के, सर 52.381 होना चाहिए टू अवॉइड आर्बिट्राज। अब आप लोग ने क्या किया वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। तुम लोग ने क्या किया तुम लोग लिख के बता सकते हो, बाकी क्या किया होगा वो मैं अभी बताता हूँ। आओ, सो तुम लोग बोले कि सर वही हम लोग तो वही कर रहे जो हम लोग कर रहे थे सर। यूएसए सस्ता दिख रहा है सर, तो यूएसए में $1,000 हम लोग बोरो कर लेंगे। मैं बोला वेरी गुड, यूएसए में $1,000 बोरो कर लो सर। फिर हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, $1 = ₹50 है ये अपना है भाई, टुडे स्पॉट रेट तो $50 है। हाँ सर, तो अपन लोग गए इंडिया में फटफट फटफट जाके सर अपन लोग ने कन्वर्ट कर लिया सर, $1,000 × 50 पर डॉलर के हिसाब से सर अपन लोग ने इमीडिएटली कन्वर्ट कर लिया ₹50,000 सर। गए हम लोग सर इंडिया में, जैसे ही गए सर इन्वेस्ट कर दिया एट द रेट 10% जो अपना बात हुआ था, मेरे पास आ गया सर ₹55,000 सर। यहाँ पे आज जैसा आपने बोला सर पप्पा का तो है नहीं, तो अगर पप्पा का नहीं है तो इधर अपने को सर इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर, इधर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर एट द रेट 5%। सो ये हो जाएगा $1,050। नाउ द फॉरवर्ड रेट, क्या बोला, द फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड का ही रेट ना भाई, ऐसा फॉरवर्ड रेट बैठना चाहिए कि एक साल बाद, ये 55,000 मैं कन्वर्ट करवाने को जाऊं तो मेरे को $1,050 ही मिले, एंड फॉर दैट द कन्वर्जन रेट लेडीज एंड जेंटलमैन शुड बी, प्लीज आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, इट शुड बी 55,000 डिवाइड बाय 1050 एंड दैट इज ₹52.381, 52.381। ए समझ गए एवरीबॉडी, तो अपना 52.5 आया था बट प्रिसाइसली इट शुड बी 52.381। अपने स्टार्ट में जो बोला था ना तुम लोग, एक आइडिया से 52.5 के आसपास होना चाहिए, इट शुड बी एक्चुअली 52.381। तो अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी शुड होल्ड गुड कि भाई इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल की वजह से इक्वालिटी बना रहे फॉरेक्स रेट्स में, इफ दैट होल्ड्स गुड इट शुड बी 52.381। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस। अब देखते ही तुम लोग फॉर्मूला डिराइव करने आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आ रहा हूं मैं IRP पे, तुमको पता नहीं चला, इंटरेस्ट रेट पैरिटी पे आ रहा हूं मैं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी पे आ रहा हूं मैं। ध्यान से ध्यान से अब सुनो, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से फॉरवर्ड रेट। कैन आई से सर, हमारे हिसाब से फॉरवर्ड रेट 52.38 होना चाहिए, सच दैट पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड गुड। सो आप लोग ने लॉजिकली कैलकुलेट किया कि फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर शुड बी $1 = ₹52.38, बना रहे फॉर दैट टू इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड गुड, IRP होल्ड गुड। IRP होल्ड्स गुड, अरे बराबर की नहीं, यस सर IRP होल्ड्स गुड, बराबर है। अब आ जाओ अब आ जाओ अब आ जाओ, अब कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं मैं, डेरिवेशन पे आ रहा हूं, कोई 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 वहां से हिलेगा नहीं। ध्यान से एवरीबॉडी, अब देखना इधर, कैन आई से स्पॉट पे $1 was ₹50, यस सर ठीक है। अब क्या मेरा इधर तक सब लोग क्लियर है, अब मैं जब डॉलर बोरो करता हूं तो मुझे कितना
इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 5% का। अरे बोलो। सो जब मैं डॉलर को बाय करता हूं तो मेरे को 5% का इंटरेस्ट का गेम मिल रहा है इधर। सो ये $1 हो जाता है 1.05, क्योंकि इधर 5% का है मेरा इंटरेस्ट रेट, बराबर है। ओके एंड रुपी 10% का इंटरेस्ट रेट है। सो कैन आई से ये हो जाता है ₹55। अरे बोलो यार, ये हो जाता है ₹55। एवरीबॉडी यस और नो? अब मुझे 1 साल के बाद $1 का रेट फाइंड करना है, $1 का। तो कैन आई से दोनों को $1.5005 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब इसको और इसको। भाई मुझे इसको $1.05 को इक्विवेलेंट टू 55 है अभी, कि भाई $1 ₹50 का है, 5% यहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है दे रहा हूं, $1.05 हुआ। 50 का 10% मिल रहा है दे रहा हूं, 10% 55 हुआ, बराबर है। सो ये दोनों 1 साल के बाद इस लेवल पे आ गए, दैट $1.05 इज इक्वल टू ₹55। अब मुझे बस फाइंड करना है कि $1 का कितना। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, क्या ना इससे डिवाइड कर दूंगा इसी से। भाई एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ विल गिव मी 1, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ विल गिव मी 1। सो इधर मेरे को मिल जाएगा $1 इक्वल टू, बट यहां पे मैंने अगर 1.05 से डिवाइड किया है तो यहां पे भी मैं 1.505 से डिवाइड करूंगा। भाई $1.05 इक्वल टू ₹55 आया है। अब कोई भी इक्वेशन को आप एक नंबर एक चीज को डिवाइड कर रहे हो तो दूसरे को भी बाय डिफॉल्ट उसी से डिवाइड करते हो, राइट। सो यहां पे भी मैंने 55 डिवाइड बाय 1.05 किया तो मेरा यहां पे आ जाएगा इक्वल टू ₹52.381। एंड अब मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देयर फॉर ये फॉरवर्ड रेट है, देयर फॉर फॉरवर्ड रेट कैसे आया, कैसे आया ये फॉरवर्ड रेट, कैसे आया बोलो, कैसे आया, क्या किया मैंने, कैसे किया मैंने, क्या किया, कहना इससे मैंने रुपीज का जो अप इंटरेस्ट रेट था, सो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट किसका, अपन तो इंडिया में तो डोमेस्टिक करेंसी, अपॉन 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 1 प्लस 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 क्या किया अपन लोग ने, इंटरेस्ट रेट। बट ये इंटरेस्ट रेट अपन लोग ने किसका किया, ये अपन लोग ने इंटरेस्ट रेट लिया फॉरेन का। ए ए, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, वापस से बताता हूँ, डोंट वरी, वापस समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या तुम लोग। यस, और अब अपन लोग आ रहे हैं अपने डेरिवेशन पे। तो आइडियली फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए, आइडियली फॉरवर्ड रेट होना चाहिए 1 प्लस इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक का, बराबर है, अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉरेन का। बट ये सब में अपन ने मल्टीप्लाई किससे किया है, हु इज आर मेन कल्प्रिट, यस इट इज द स्पॉट रेट, इट इज द स्पॉट रेट, एंड दिस गिव्स अस आर फॉर्मूला दैट एट इंटरेस्ट रेट पैरिटी, दैट एट एस पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी, अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी हैज टू होल्ड गुड तो एट इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इफ इंटरेस्ट रेट पैरिटी हैज टू होल्ड गुड देन इन दैट केस बॉस मेरा फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए, मेरा फॉरवर्ड रेट यही होना चाहिए जो मैं अभी लिख रहा हूं। अगर वो नहीं हुआ तो मतलब आर्बिट्राज है, चलो भाई कमाने का मौका है क्या। इट शुड बी स्पॉट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट किसका, किसका जैसा अपन लोग ने यहां पे देखा किसका था, $1 इक्वल टू ₹52.38। तो कैन आई से अपने राइट हैंड साइड पे इट वॉज दिस वेरिएबल करेंसी, सो आई विल राइट हियर ऑफ वेरिएबल करेंसी, ऑफ वेरिएबल करेंसी अपॉन 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 1 प्लस इंटरेस्ट रेट किसका था, किसका था, करेक्ट डॉलर का था, इट विल बी ऑफ फॉरेन करेंसी,
हेंस प्रूव्ड एंड 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 जैसा मैंने अभी लिखा था यहाँ पे सर, तो आपने तो डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी लिखा है। अरे हाँ भाई, वो भी देखो, अपने को तो दोनों चीजें पता है, सो वी विल राइट बोथ द थिंग्स। तो जनरल पब्लिक ये डोमेस्टिक एंड सॉरी इधर बेस करेंसी आना चाहिए। अपन तो टेक्निकली वेरिएबल बेस पढ़ चुके हैं ना, बट बेचारा जो नहीं पढ़ा है अपने जैसा, उसके लिए जो मेरा ये फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है बेचारा, उसको क्या समझेगा, उसके लिए 1+ इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। और अब इससे रिलेटेड जब सम सॉल्व करेंगे तो चीजें और क्लैरिटी होती जाएगी। एंस प्रूव्ड, सो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखा है, प्रूव किया है, समझे डू। हाँ भाई, आर यू क्लियर एवरीबॉडी? चल यस प्रेरणा, करेक्ट, क्या समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है चलो, अब डेरिवेशन के हिसाब से करना है करो, लॉजिक के हिसाब से या फिर फॉर्मूला के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सिंपल सा बात है, आज अगर डॉलर, टुडे अगर डॉलर $1.50 का है, ओके, आफ्टर 1 ईयर वो ये ही होना चाहिए जो मैं अभी बताने वाला हूं। क्या? तो मैं सीधा जाके इन्वेस्ट कर दूंगा डॉलर को, 1.05 हो जाएगा, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा रुपीस को, 55 हो जाएगा। डॉलर को इधर लेकर आओ रे, डॉलर को इधर लेकर आओ रे। सो डॉलर 1 = 55/1.05। बट ये सब में अपना जो मल्टीप्लीकेशन है, we were doing this, so 55 divided by 1.05 will give us 52.381। तो basically यहां पे मैंने मेरे interest rate of domestic upon interest rate of foreign currency divide किया, तो 1. इधर 0.5 था, ये देखो ना, इधर spot था 50, इधर इसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया और ये इधर आ गया, इधर 1.05 आया, ये इधर 1.05 वाला पार्ट आया, बराबर के नहीं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड, 55 अपॉन 1.05। कैसे आया बोलो चल स्पॉट इनटू 1+ इंटरेस्ट रेट, किसका भाई, डीसी का। हर तरह से आपको प्रूव कर दिया है, हर तरह से आपको बता दिया है, ताकि आप अब खुद से लिख पाए कि अब बॉस कुछ भी हो जाए दुनिया में, ए सुनो, दुनिया में कुछ भी हो जाए, याद रखना फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन अब आपको भी आ गया है। सो फॉरवर्ड रेट विल बी इक्वल टू क्या, स्पॉट रेट, बराबर ना, वो 50 इंटू 1.1 तब जाके 55 अपॉन 1.05, 1+ इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन करेंसी, स्पॉट रेट। स्पॉट रेट किसका है, ये फॉरेन करेंसी का, बेसिकली ये फॉरेन करेंसी का स्पॉट रेट है, डॉलर का है ना, इनटू 1+ इंटरेस्ट रेट, किसका है ये इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक का, अपॉन 1+ इंटरेस्ट रेट, किसका है ये फॉरेन का, समझ गए।
फॉरवर्ड रेट किसका आएगा? ऑब्वियसली फॉरेन का, डॉलर का ही आया ना यहाँ पे। अच्छा एवरीबॉडी, गॉट इट गाइस। या इसको दूसरा भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ऊपर लिख लेने का भाई, एज पर आईआरपी इंटरेस्ट रेट पैरिटी, पैरिटी द फॉरवर्ड रेट विल बी द फॉरवर्ड रेट। ये किसका फॉरवर्ड रेट अपन निकाल रहे हैं अपनी भाषा में, जिसने अपना पूरा देखा है लेक्चर्स यू वुड नो इट, अपन बेस करेंसी का निकाल रहे हैं। स्पॉट रेट, रेट किसका है? बेस करेंसी का, इंट वन प्लस इंटरेस्ट रेट किसका? वेरिएबल करेंसी का, अपॉन वन प्लस इंटरेस्ट रेट बेस करेंसी। स्पॉट रेट डोमेस्टिक का आएगा ना? अरे नहीं मेरे भाई, फॉरेन करेंसी का स्पॉट रेट है वो, एक डॉलर का स्पॉट रेट है वो, एक डॉलर का स्पॉट रेट है 50, तो वो फॉरेन करेंसी का रेट है। एक एक वन किसका है? बेस क्या है? वन क्या है? वन वन डॉलर है, उसका रेट है वो। समझा क्या? छापेंगे एवरीबॉडी, डेफिनेटली छापेंगे। अच्छा अभी मैं पूछ रहा हूं, क्या डेरिवेशन में किसी को कोई भी डाउट? क्या आपको समझ में आया बेसिक से स्टार्ट से लेकर एंड तक? एवरीबॉडी विद मी, डन गच्चा, विद एग्जांपल्स अपन करते गए, देखते गए कि कैसे आर्बिट्राज होते जा रहा है, होते जा रहा है। अगर अगर जैसा मैं ना बोलू उतना ही फॉरवर्ड रेट नहीं हुआ, 52.381 नहीं हुआ, तो आर्बिट्राज आएगा ही आएगा। मजा आया तुम लोग को? चलो शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़ेंगे। चलो ओके ओके सर, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब मैंने क्या बोला तुम्हारे को, आइडियली जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का और जो डिफरेंस है ये रेट्स का, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। उसको क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? तो भाई ये देखो, मैंने क्या बोला तुम लोग को, मेरा स्पॉट का रेट है, सुनना ध्यान से सुनना, अभी मैं जो पूछ रहा हूं उसका मुझे जवाब चाहिए तुम लोग सब लोग की तरफ से। मेरा स्पॉट का रेट है $1 = ₹50। मैंने तुम्हारे को बोला इंटरेस्ट रेट्स दिया है यूएसए का भी और इंडिया का भी। यूएसए का इंटरेस्ट रेट है 5%, इंडिया का है 10%। जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट। अब मैं आपको एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि भाई ऐसा सिनारियो अगर हुआ, अगर मेरा $1 = ₹50 है, यूएसए का 5% है, आपको मैं बता पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट। क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे? क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे? क्या हाँ या ना? क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे? आप बोलोगे सर बच्चों का खेल है क्या हमारे लिए, तो सर आईआरपी का फॉर्मूला यूज करेंगे सर, उससे हम निकाल लेंगे फॉरवर्ड रेट। पता है आपको क्या आएगा फॉरवर्ड रेट सर? क्या आएगा बताओ क्या आएगा सर? स्पॉट ₹50 इंटू सर इंडिया का रेट 1.1 अपॉन 1.05 सर, ये अपने को आ जाएगा ₹52.381।
सर फॉरवर्ड रेट मेरा बन जाएगा $1 इक्वल टू रुपीज 52.381। ए समझ गयो, इधर तक किसी को कोई डाउट? अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, कल अपना डिस्कशन हुआ था प्रीमियम बराबर है और डिस्काउंट के ऊपर, कल अपना मस्त में डिटेल डिस्कशन हुआ था प्रीमियम और डिस्काउंट के ऊपर। आप मेरे को बताओ कि अगर स्पॉट पे 50 चल रहा है और उस चीज का फॉरवर्ड रेट 52.381 है, देन इन दैट केस कौन प्रीमियम पे है, कौन प्रीमियम पे है? कैन आई से डॉलर प्रीमियम पे चल रहा है? साला $1 पहले खरीदने के लिए ₹50 लगता था, अब $1 खरीदने के लिए 52.381 लगेगा। मतलब डॉलर का वट बढ़ गया है, वैल्यू बढ़ गया है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस। तो अब यहाँ पे अपने को एक और लास्ट कैलकुलेशन करना आना चाहिए, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनुअलाइज्ड, एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम। मैं आप लोग को पूछना चाहता हूं कि क्या प्रीमियम चल रहा है मेरा? तो आप बोलोगे सर 52.381 पे फॉरवर्ड चल रहा है। क्या स्पॉट था उसका? सर 50। तो कितने से बढ़ गया है? अपॉन 50 × 100। अब कहने से ये तो पूरा का पूरा साल का ही है, × 12 अपॉन, अपन तो 1 ईयर का ही करके चल रहे तो अपने को टेंशन नहीं है, बट ये आ जाएगा अपॉन 12 मंथ्स अपॉन 12। So, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आता है? इट विल बिकम 52.381 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 × 100 × 12 डिवाइड बाय 12। मेरे को मेरा एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम मिल जाएगा 4.762%। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? समझू, समझ में आया बच्चा? अब आपके दिमाग में इमीडिएटली, मुझे पता है मैं आपके दिमाग में घुस के समझ चुका हूं, आप स्टूडेंट हो सर, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग ने कल अपन लोग ने कल प्रीमियम और डिस्काउंट इतना मस्त किया था कि अपने लिए तो ये भी एकदम सिंपल सा चीज है। सो आप वो लेक्चर में रिफर करेंगे तो आपको वो याद आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर फॉरवर्ड प्रीमियम कैलकुलेट करना है, तो या प्रीमियम कैलकुलेट करना तो कितना इजी है, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट × 100 × 12 मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स गिवन। सर बट अब यहां पे तो आपने सब फॉरवर्ड 1 ईयर का निकलवाया, सर आपने एनुअलाइज फॉरवर्ड प्रीमियम तो एनुअलाइज है तो वही होगा सर, बट अगर 3 मंथ्स का ही हुआ तो चलो आओ, अपने पास एग्जाम्पल का कमी थोड़ी है। अब आते एग्जाम्पल नंबर 2 पे, 2 मिनट दे रहा हूं, मेरे को फ्लो में करवाने दो, फिर लिखने का भी टाइम दूंगा। आओ यहां पे, अगर दिया है 1 यूरो इक्वल टू डॉलर 1.3435 दिया है, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट, डॉलर का इंटरेस्ट रेट दिया है से 3%, यूरोप का इंटरेस्ट रेट दिया है 2.5%। ठीक है, अब मैं आपको 2 मिनट देता हूं और कैलकुलेट करने के लिए देता हूं, कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट फॉर 3 मंथ्स, दूसरा कैलकुलेट AFM, अरे एनुअलाइज्ड AFP, AFM बोलते हो, एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम। गच्चा एवरीवन, ट्राई करेंगे अपन, अपन बोलेंगे सर हमारे को पता है एज पर IRP, एज पर IRP क्या होगा? फॉर्मूला पता है अपने को सर, फॉर्मूला एकदम अच्छी तरह से पता है, इक्वल टू स्पॉट रेट, अभी अपने को लिखना है यहाँ पे इट इज डॉलर 1.43 3435 मल्टीप्लाई बाय, वन प्लस इंटरेस्ट रेट। अब खाली यहां पे ध्यान रखना है, जब ये इंटरेस्ट रेट निकालोगे अब कितने ड्यूरेशन का लोगे, करेक्ट × 3/12 अपॉन अपॉन अपॉन
वन प्लस इंटरेस्ट रेट इंटू 3/12। अच्छा एवरीवन, गलती मत करना, यहां पे 3 महीना हो गया है तो इंटरेस्ट रेट भी तो 3 महीने का लूंगा। नाउ वी विल सॉल्व दिस, नाउ वी विल सॉल्व दिस। इक्वल टू 1.3435 इंटू, चलो 0.03 इंटू 3/12। क्यों किया इंटू 3/12? बिकॉज 3 महीने का ही पूछा है, ध्यान रखना है। पॉइंट 0.03 इंटू 3/12 तो 1.0075 अपॉन 1.000625। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1.0075 डिवाइड बाय 1.000625 इंटू 1.43435 एंड ये आता है 1.3452। यस, बस हो गया, आप लोग का आंसर आ गया, समझ में आया। सो ये फॉरवर्ड रेट होना चाहिए। अगर 3 महीना दिया है, 6 महीना दिया है, कुछ भी देने दे रहे, अपने को थोड़ी किसी का डर है, अपने को थोड़ी किसी का डर है यार, है कि नहीं? अब एएफपी आप फाइंड करेंगे। स्टार्ट एवरीबॉडी, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट एएफपी कैलकुलेट करके दिखाओ मेरे को। मेरा कैलकुलेशन हो गया क्या? चलो अभी डाल। अच्छे भाई, मैंने इधर एक जीरो ज्यादा डाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा हुआ तुम लोग ने ऑब्जर्व कर लिया। 1.00625 एंड मेरा फाइनली फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 1 यूरो इक्वल टू डॉलर 1.3452। ए समझी गुडू, समझे क्या? बोलो बोलो, चल चल। और अब आपको कैलकुलेट करना है एएफपी, एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम। बोलो क्या आएगा? फॉरवर्ड रेट 1 पॉइंट डॉलर, सो 1.3452 बराबर है। कल तुम लोग को बताया भी था, प्रीमियम यूजुअली क्या एनुअलाइज लेवल पे ही अपन लोग करते हैं। माइनस माइनस 1.3452 माइनस 1.3435 अपॉन 1.3435 इंटू 100 इंटू 12/3। सही है, Q3 क्योंकि 3 मंथ्स का है, उसको अपन एनुअलाइज कर रहे हैं। सो इंटू 12/3, सो ये कितना आएगा? 1.3452 माइनस 1.3435 डिवाइड बाय 1.3435 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 3 एंड योर वी आर 0.5061% या 0.51% भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए समझी गुड एवरीबॉडी, मजा आया? यहां पे आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी का क्लैरिटी आपको दे दिया है।
सकती है, बस अगेन ना प्रोवाइडेड आपको ये सब चीज पता होना चाहिए कि भाई अप्रिसिएशन क्या होता है, यहाँ पे अपन लोग ने फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है वो चीज को यूज किया है। टन टन अब क्या ये फॉर्मूला कभी आप जिंदगी में भूलेंगे? कभी नहीं। आपको 55 डिवाइड बाय 1.05 याद रहेगा ही रहेगा। 55 कैसे आया? 50 इंटू 1.1। 50 क्या था? स्पॉट रेट इंटू 1.1, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ वेरिएबल करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी या फॉरेन करेंसी। डन एंड डस्टेड। गॉट इट गाइस? या चलो तो लेंगे छोटू सा, छोटू सा क्या लेंगे? लेंगे ब्रेक लेंगे। अरे बोलो रे, बोलो बोलो बोलो।